सो हेलो गाइस, दिस इज सचिन प्रजापत और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एनआईटीज के बारे में। हम लास्ट वीडियो के अंदर एसपीए के बारे में डिस्कस कर चुके थे कि एसपीए के अंदर क्या एक फैसिलिटी रहने वाली है और क्या क्या स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ यहाँ पर होती है, मतलब कौन कौन से गेम्स है, कुछ इमेजेस के बारे में एक एज ए मोटिवेशन हमारे लिए रहता है क्योंकि इन कॉलेजेस के अंदर हम एंटर होने वाले हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करें एनआईटीज के बारे में कि एनआईटीज के अंदर क्या क्या एक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर है और किस किस एनआईटीज के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आपको दी जा रही है जहाँ पर आप जाने वाले हो, जो आपका ड्रीम कॉलेज है, सभी एनआईटीज के बारे में बात करेंगे और किस किस एनआईटीज के अंदर कितना प्लेसमेंट अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है और कौन कौन सी स्कॉलरशिप यहाँ पर मिल रही है या फिर मिलने वाली है, इसके बारे में सभी के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मेनली बात करेंगे हॉस्टल्स के बारे में, हॉस्टल्स की क्या एक फीस रहने वाली है जो कि जनरल स्टूडेंट्स का डाउट होता है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे देखो यार, मैं यहाँ पर बिल्कुल एकदम सीरीज वाइज बात कर रहा हूँ, यानी कि एकदम रैंकिंग वाइज बात कर रहा हूँ, मैं हर एक एनआईटीज के रैंकिंग के ऊपर ही बेसिस के ऊपर ही बात कर रहा हूँ। शुरुआत करते हैं सबसे पहली, चूँकि एनआईटी ट्रिची, ठीक है, एनआईटी ट्रिची के अंदर हम जानते हैं कि तमिलनाडु के अंदर है और जो कि एक टॉप एनआईटी आती है एनआईटीज के अंदर नंबर वन के ऊपर। ये कुछ डिपार्टमेंट है आर्किटेक्चर के लिए और इसका आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट है अप्रॉक्सीमेटली स्टार्ट हुआ था एकेडमिक ईयर 1980 टू 1981 के अंदर एकेडमिक्स का डिपार्टमेंट स्टार्ट हुआ था एनआईटी ट्रिची के अंदर, बीआर आर्किटेक्चर का डिपार्टमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। यार कुछ फैसिलिटीज़ की अगर बात करें तो यहाँ पर हमारे पास कुल मिलाकर डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर के अंदर कुल मिलाकर बात करें तो कंप्यूटर, एक लाइब्रेरी, यहाँ पर लेबोरेटरी आपको दी जाती है, एक डिपार्टमेंट लाइब्रेरी है, मटेरियल लाइब्रेरी है, मॉडल मेकिंग वर्कशॉप है यहाँ पर, कंस्ट्रक्शन यार्ड एंड बिल्डिंग साइंस लेबोरेटरी, मतलब अच्छी खासी एक यहाँ पर सब कुछ दिया जा रहा है यार। देखो अच्छे खासे क्लासेज वहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर लाइब्रेरी दिख रही है अच्छी खासी है और बहुत सारे कंप्यूटर वगैरह लैब अच्छे खासे दे रखे, मतलब बहुत एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट चाहिए वो चीज़ यहाँ मिल जाती है। ठीक है, जनरली यार वैसे ये सब चीज़ कॉमन हर एक एनआईटी में होती है। बात कर रहे यार कुछ एनआईटी का यहाँ पर क्या मिशन लेकर चलता है डिपार्टमेंट, जो कि एक हर एक एनआईटी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अच्छी अच्छी बातें बताता है, उसके अंदर कुछ इसका मिशन है कि यार क्रिएट प्रोफेशनली कंपिटेंट आर्किटेक्ट्स विद ह्यूमन वैल्यूज, एनहेंस नॉलेज एंड स्किल्स थ्रू रिसर्च एक्टिविटीज, सर्व द सोसाइटी थ्रू मीनिंगफुल इंटरेक्शंस। ठीक है, इसके अंदर कुल मिलाकर बात करते हैं ट्रिची के अंदर है ही इस्टेब्लिश 1980, हम बात कर चुके हैं, बीबीआर 5 ईयर्स डिग्री कोर्स प्रोवाइड करेगा और ऑन कैंपस होगा, यहाँ पर कोई प्राइवेट कोर्स नहीं होता, ऑन कैंपस मतलब रेगुलर आपको जाना होगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ बार का व्यू है, थोड़ी सी यार इमेज ब्लर है, इसको थोड़ी सी इग्नोर करना क्योंकि ब्लर इमेज, थोड़ी सी क्लियर इमेज बहुत कम मिली। तो बाकी हमारे पास ये सेंट्रल लाइब्रेरी का यहाँ पर ये दिया गया, सेंट्रल लाइब्रेरी यहाँ पर आपकी है, ऐसा कुछ यहाँ पर सिस्टम है। ठीक है, कुछ स्पोर्ट्स की अगर बात करूँ तो यहाँ पर आपको स्पोर्ट्स के अंदर बास्केटबॉल तो मिल जाता है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी एसपीए वाले में कि बास्केटबॉल तो जनरली हर एक जगह होता ही है। ठीक है, बास्केटबॉल ऐसा गेम है जो कि यार कॉमन गेम है, हर एक कोई कॉलेज रखता है इसको। और बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग, यहाँ पे आपको स्विमिंग पूल भी मिल जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है, मतलब ठीक है, मतलब स्विमिंग पूल के लिए तो यार हम लोग सोचते हैं कि स्विमिंग पूल कहाँ मिलता, होटल में देखते हैं, पर जनरली कॉलेज के अंदर भी स्विमिंग पूल हो सकता है, बहुत कम में मिलता है ये चीज़। ठीक है, यहाँ पर आपको इंडोर एक ऑडिटोरियम भी मिल जाता है जहाँ पर आपको टेबल टेनिस, बैडमिंटन, बास्केटबॉल वगैरह टाइप कोर्ट आपको दे रखा है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके जो मेन इंपॉर्टेंट हॉस्टल्स, जी यार ये थोड़ा सा बाहर का और एक अंदर का इंटीरियर मेस और एक हॉस्टल है, ये हॉस्टल है और ये मेस है जहाँ पर हम खाना वाना खाते हैं। इसके अंदर कुल मिलाकर एकेडमिक फीस की बात करूँ तो आपका 1,59,000 के अप्रॉक्स फर्स्ट ईयर की फीस आपके पास पड़ जाती है और हॉस्टल की बात करूँ तो 52,000 से लेकर 62,000 के बीच में अप्रॉक्सीमेटली हॉस्टल की फीस रह सकती है। ये इसके बीच में वेराई करेगा, डिपेंड करेगा कि आपको मेस के अंदर और अलग अलग चार्जेस होते हैं। ठीक है, और कुछ कुछ चार्जेस रिफंडेबल भी होते हैं, कुछ कुछ नॉन रिफंडेबल भी होते हैं, तो वो सब मिलाकर यहाँ पर एक रेंज दी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हमारे पास है, वो हमारे पास जो है प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है, मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर की हमने बात की, प्लेसमेंट के अंदर बात करें तो देखो प्लेसमेंट के अंदर ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल एंड एटीजी ऑफर स्टूडेंट्स वेरियस इंटर्नशिप, इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करता है प्लेसमेंट सेल जो है। और अप्रॉक्सीमेटली अगर बात करें तो एन आई टी ट्रिची के अंदर 50 टू 60% स्टूडेंट प्लेस्ड हो जाते हैं एवरी ईयर और एवरेज जो प्लेसमेंट है वो 7 टू 8 लाख पर एनम रहता है, एलपीए मतलब लाख पर एनम। ये चीज़ वही चीज़ है जो एसपीए के अंदर भी अपने बात की थी, सेम यही पैकेज रहता है, एवरेज पैकेज यही रहता है हर एक आर्किटेक्चर कॉलेज में। और बात करें तो कुछ कुछ रिक्रूटर्स है जो कि एलएनटी, नेडल एंटरप्राइजेस, सिस्को, उसके अलावा बहुत सारी और भी तरह की है जिसके अंदर आगे हम नाम लेंगे, यहाँ तो कुछ 2 से 3 ही लिखी हुई है। ठीक है, और मेनी स्टूडेंट्स ऑल्सो ऑप्ट फॉर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑफ कैंपस प्लेसमेंट को भी ज़्यादा यहाँ पर देते हैं क्योंकि देखो आर्किटेक्चर के अंदर जिसमें पहले बात की थी कि आर्किटेक्चर एक ऐसा प्ले एक ऐसी मतलब फील्ड है यार जहाँ पर अधिकतर जो स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब जैसे 50 टू 60% प्लेस हो जाते हैं, पर लेकिन अधिकतर 50-60% जो होते हैं वो क्या करते हैं, खुद की प्राइवेट कंपनी या फिर खुद की प्राइवेट फर्म खोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। और कुछ कुछ होते हैं वो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यार एनआईटी ट्रिची स्कॉलरशिप के बारे में, तो यहाँ पर अलग अलग तरह की स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है, जैसे बात करें पहले तो डेल्टा एजुकेशन फंड स्कॉलरशिप फॉर बीटेक एंड बीआर के स्टूडेंट्स, सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप स्कीम फॉर टॉप क्लास स्टूडेंट्स फॉर रिजर्व कैटेगरी SC ST। अच्छा, SC ST वालों के लिए यार अलग से हर एक कॉलेज के अंदर अलग से ही स्कॉलरशिप रहती है जनरली,
द फीस कॉस्ट लाइक 1 लाख फॉर पीपल हुज फैमिली इनकम इज बिलो 1 लाख, मतलब कि जिसकी फैमिली इनकम फ्रॉम ऑल द सोर्सेस अगर 1 लाख से कम है तो आपको अच्छी खासी एक आपकी जो फीस है, जो टोटल फीस अपने बात की थी कुछ 1 लाख के आसपास कुछ थी, 1,59,000 के आसपास कुछ थी, वो टोटल मिलाकर आपको 1 लाख के अंदर अंदर ही पड़ जाती है, मतलब इतनी स्कॉलरशिप मिल जाती है अप्रोक्सीमेटली आपको, कम से कम 40-50% स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, वी कैन अप्लाई फॉर 1 स्कॉलरशिप अ ईयर, हमको स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए मौका भी मिलता है। इवन द कॉलेज प्रोवाइड्स द स्टूडेंट एड्स फंड फॉर नीडी पीपल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास नंबर टू पर जो है NIT कैलिकट केरला, जो कि एक अच्छी खासी एक सुंदर ब्यूटीफुल सी NIT, देखो यार मतलब बिल्कुल पेड़ पौधे ग्रीनरी वगैरह शानदार सी NIT है, और ये इस्टेब्लिश हुई थी 1961 के अंदर। अच्छा खासा इन्वायरमेंट हमको यहाँ पर मिल जाता है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट NIT है, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले कुछ हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हमको दी जाती है। सबसे पहले हमको लाइब्रेरी मिल जाती है, कैफेटेरिया आपको मिल जाता है, हॉस्टल जो हमको चाहिए ही है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी मिल जाता है, जिम भी यहाँ पर एक्चुअली भी मिल जाता है जो अच्छा खासा एक बहुत ही बढ़िया बात है, हॉस्पिटल, मेडिकल फैसिलिटीज़, वाईफाई कैंपस आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, ठीक है। शटल सर्विसेज, ऑडिटोरियम, लैब्स, ये सब चीज़ें वही चीज़ जो कॉमन है, ठीक है। यहाँ पर कुछ आपको ऑडिटोरियम बता रखे हैं, ये आउटडोर ऑडिटोरियम है, कुछ कुछ इंडोर भी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, और ये कुछ ग्रीनरी टाइप है। और यहाँ पर सेम चीज़ यार इस NIT का क्या एक मिशन लेकर चलता है जो कि हर एक कॉलेज अपने बारे में बताता ही है। फिर तो यहाँ कुछ मिशन की बात कर रहे हैं तो टू ऑफर स्टेट ऑफ आर्ट एजुकेशन इन आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग ऑन द स्टूडेंट्स टू इक्विप देम सक्सेसफुल प्रोफेशनल करियर, यानी कि वही जो अच्छी अच्छी बातें हैं जो सभी के बारे में लिखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ कैलिकट के हमारे पास कुछ इसके लोकेशन है, एस्टेब्लिश इन 1961 ये हम बात कर चुके हैं, और BR 5 डिग्री कोर्स प्रोवाइड कर रहा है, ऑन कैंपस है और रेगुलर कोर्स है, ठीक है। बात करते हैं कुछ बास्केटबॉल कोर्ट यहाँ पर दे रखा है जो कि अच्छी खासी स्पोर्ट्स फैसिलिटी के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़िया है, बास्केटबॉल जो कि कॉमन है ही हर जगह होता ही है। अच्छा स्पोर्ट्स के अंदर बात करते हो यहाँ पर देखो यहाँ पर स्विमिंग पूल के अंदर भी यहाँ पर भी आपको स्विमिंग पूल मिल जाता है जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है और होना ही चाहिए, और ग्रीनरी आपको अच्छी खासी मिल जाती है, और आपको अच्छे खासे क्लासरूम्स आपको मिल जाते हैं। थोड़ी सी इमेज थोड़ी सी ब्लर आ सकती है, थोड़ी सी इग्नोर करना, थोड़ी सी क्लियर इमेज मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। बात कर लेते कुछ फीस की जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर फर्स्ट ईयर की फीस बात करें तो ओवरऑल 53,797, 53,000, 54,000, 55 के आसपास फर्स्ट ईयर की फीस लग जाती है, जो कि इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और हॉस्टल की बात करें तो 55,000 के अप्रोक्स हमारे पास हॉस्टल मेल और फीमेल दोनों के लिए पड़ जाता है। ये कुछ हॉस्टल की इमेज लगा रखी है, और ये कुछ अंदर का इंटीरियर हुआ है, किसी को बैठा कर आपको फोटो खींच लिया है और कुछ नहीं है, और यहाँ पर ऐसा कुछ है, ये कुछ हॉस्टल रहता है। और नेक्स्ट बात करते हैं NIT कैलिकट के अंदर सेम प्लेसमेंट के बारे में, तो यहाँ पर सेम यार इंटर्नशिप और प्लेसमेंट दोनों यहाँ पर प्रोवाइड आपको किए जा रहे हैं, और अप्रॉक्सीमेटली 65% स्टूडेंट यहाँ पर प्लेस्ड हो जाते हैं, इसके साथ एवरेज सैलरी 6-8 LPA है, और मिनिमम सैलरी 5-6 LPA है, और एवरेज 6-8 LPA है, ठीक है, और मैक्सिमम 8 LPA के आसपास। मेनी स्टूडेंट्स ऑल्सो ऑप्ट फॉर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट, जैसे कि मैंने आपको बोला था अधिकतर हाफ स्टूडेंट्स ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए मूव कर जाते हैं, और उनमें से कुछ कुछ जो होते हैं वो अपनी प्राइवेट फर्म ओपन कर लेते हैं, प्राइवेट कंपनी खोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंस्टीट्यूट इज ऑफरिंग स्कॉलरशिप सच है, सेम यहाँ पर अलग अलग तरह की स्कॉलरशिप दी जा रही है हमको यार। सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप स्कीम फॉर टॉप क्लास एजुकेशन फॉर SC एंड नेशनल फेलोशिप एंड स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन फॉर ST स्टूडेंट, SC और ST के लिए अच्छी खासी स्कॉलरशिप यहाँ पर रखी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं अगर कोई दूसरे स्टूडेंट है उनके लिए, द स्टूडेंट शुड हैव मिनिमम एनुअल फैमिली इनकम ऑफ नॉट मोर देन 2,50,000, यानी कि 2.5 लाख, मतलब 2.5 लाख अगर आपकी ओवरऑल इनकम कम है तो आपको यहाँ पर अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिलने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। कुछ ट्यूशन फी वेयर के बारे में बात करें, ऑफर टू स्टूडेंट जो भी आपके यहाँ पर दी जा रही है, हॉस्टल हॉस्टल एक्सपेंसेस विद लिमिटेशंस ऑफ 2,200 पर मंथ, ऐसा कुछ करके अलग अलग तरह की लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर आपको यहाँ पर एक अच्छा खासा कंसेशन मिल जाता है, और INR के अंदर 3,000 फॉर बुक्स एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस, अलग अलग मतलब छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर आपको अलग अलग तरीके की छोटी छोटी स्कॉलरशिप देकर एक वो टोटल मतलब आपका बर्डन कम कर दिया जाएगा अगर आपको ज़रूरत है तो, आप उस कैटेगरी के अंदर आ रहे हो तो। नेक्स्ट बात करते हैं यार नेक्स्ट जो थर्ड नंबर की NIT है जो कि NIT रौरकेला उड़ीसा के अंदर है, अच्छी खासी NIT है, मतलब बहुत ही बड़ी NIT आप देख सकते हो, मतलब इमेज के अंदर कितनी शानदार NIT लगती है, ये देखने में एक अलग ही इसका लुक आता है, और ये बहुत बहुत ज़्यादा बढ़िया लगती है, मतलब देखने में बाहर भी बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, और एक बहुत ज़्यादा ऊँचाई हाइट को आसमान को छूती हुई NIT है जो कि स्टार्ट हुई थी, इसके अंदर डिपार्टमेंट जो कि 1961, अच्छा लास्ट है ऊपर NIT के लिकेट भी 1961 में ही अप्रॉक्सीमेटली स्टार्ट हुआ था, और ये भी 1961 के अंदर बराबर स्टार्ट हुए थे। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं तो लाइब्रेरी, कैफेटेरिया, हॉस्टल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम जो कि हमको लास्ट ऊपर NIT मिला था वो सब कुछ हमें मिल जाता है, ऑडिटोरियम हमको मिल जाता है, कन्वीनियंस स्टोर, लैब्स, वाईफाई कैंपस हमको मिल जाता है, अच्छे खासे NIT आए तो कोई अच्छा जिम भी यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाता है, मतलब जिम में इंटरेस्टेड हो तो बढ़िया बात है, अच्छा खासा आप जिम कर सकते हो यहाँ पर, और ये क्लासरूम यार कुछ है। बाइस बात करते हैं इसके अंदर है कुछ कुछ इस्टेब्लिश के अंदर 1961 बात कर चुके हैं, 5 डिग्री ऑन कैंपस आपको कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी NIT के अंदर मतलब एक व्यू इसका अच्छा आता है, ठीक है,
बहुत बहुत चीज़ें लगती है, बहुत ज़्यादा ऊपर आसमान को छू रही है एनआईटी। नेक्स्ट बात करते हैं इसके कुछ मिशन यार, जो कि हर एक एनआईटी के बारे में होता ही है। टू प्रोड्यूस आर्किटेक्ट विद क्रिएटिविटी एंड विजन, टू क्रिएट प्लानर्स फॉर 21st सेंचुरी इंडिया विद स्पेशल फोकस ऑन प्लानिंग एंड वगैरह वगैरह जो भी है, ये सब कुछ आपको दे रखा है यहाँ पर। बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, फंक्शनल सेफ्टी, कम्फर्ट, कंजर्वेशन एंड एस्थेटिक्स, मॉडर्न लिविंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। स्पोर्ट्स के अंदर कौन कौन सी फैसिलिटीज़ आपको दी जा रही है, जो कि हमारे पास देखो स्विमिंग पूल यहाँ भी आपको दिया जा रहा है, यहाँ पर आपको फुटबॉल ग्राउंड है, हॉकी है ग्राउंड है, ठीक है, ये देखो ये फुटबॉल की टीम इनकी जगह है। उसके अलावा बैडमिंटन है, टेबल टेनिस वगैरह है, और एक एथलेटिक्स भी टाइप है, बास्केटबॉल तो होता ही है, ठीक है, ये सब कुछ आपको यहाँ मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी हॉस्टल्स के बारे में यार, तो ये हॉस्टल्स है और हॉस्टल का कुछ मेस का व्यू अंदर, जहाँ पर हम बैठ के खाना खाते हैं, उसका व्यू यहाँ पर है। फीस की बात करो तो देखो इसकी फीस थोड़ी सी हाई है, इसकी टोटल फीस अगर बात करो तो 2,23,000 के अप्रोक्स इसकी टोटल फीस पड़ जाती है फर्स्ट ईयर की फीस, और फॉर मेल के लिए और फीमेल के लिए हॉस्टल फीस जो है, हॉस्टल फीस आपकी 55,000 के अप्रोक्स पड़ती है, जो कि ठीक है, ज़्यादा नहीं पड़, लेकिन फीस ये ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, मतलब कुल मिलाकर जो फीस है 2,23,000, जो कि बहुत ज़्यादा ज़्यादा फीस। तो इसके अंदर बहुत ज़रूरत है स्कॉलरशिप की यहाँ पर स्टूडेंट्स को रहती है। एनआईटी अगर प्लेसमेंट की अगर बात करें तो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल एट एनआईटी ऑफर स्टूडेंट्स फॉर वेरियस इंटर्नशिप, सेम चाहिए वही बात बोल रही कि 65% अप्रॉक्सीमेटली स्टूडेंट यहाँ पर प्लेस्ड हो जाते हैं, और 6 to 8 lakh पर एनम एवरेज यहाँ पर प्लेसमेंट रहता है, और सेम यहाँ पर बहुत सारे जने ऑफ कैंपस के लिए भी मूव कर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें थोड़ा सा इसका एक नाइट व्यू यहाँ पर दिखा रखा है एनआईटी का यार। अगर यहाँ कुछ स्कॉलरशिप की बात करो तो यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग तरह की स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है, मतलब लाइन लगा दी स्कॉलरशिप की, इतनी सारी स्कॉलरशिप। अब एस सी एस टी के लिए अलग टाइप की स्कॉलरशिप आपको दी जा रही है, टॉप क्लास स्कॉलरशिप दी जा रही है फॉर ऑल स्टूडेंट्स, अगर आप कोई से भी हो, जनरल ओबीसी कैटेगरी जिस भी आ रहे हो, तो अलग अलग तरह की TCS की, बाय टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, अब ये भी आपको यहाँ पर अलग तरह की स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। या फिर कुछ कुछ मेरिट स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करती है, मतलब आपके मार्क्स के ऊपर, जिस भी सेमेस्टर के अंदर आप अच्छा करते हो, जिस भी आपकी जो CGPA परसेंटेज बनता है उसके ऊपर भी आपको नेक्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप मिलने के चांस रहते हैं। NTS नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप भी आप रहती है, TCS स्कॉलरशिप फॉर CSE स्टूडेंट, इंडियन ऑयल स्कॉलरशिप रहती है, ONGC स्कॉलरशिप। अच्छा, ये सब प्राइवेट स्कॉलरशिप से, मतलब ये जो प्राइवेट कंपनीज है वो यहाँ पर आके स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, ताकि इनका भी एक मार्केटिंग हो जाता है। इंडियन ऑयल स्कॉलरशिप, ONGC हो गया, ठीक है, OP जिंदल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट स्कॉलरशिप, ये अपनी अपनी कंपनी के नाम से स्कॉलरशिप यहाँ पर रखती है, ताकि एक कंपनी का भी नाम होता रहे। नेक्स्ट बात करते हैं, मूव करते हैं यार हमारे नंबर 4 NIT के ऊपर, जो कि है MNIT जयपुर राजस्थान। एक ऐसी NIT यार जो का मतलब जो कि एकदम ब्लू कलर की NIT दिखती है, पूरी ब्लू ब्लू NIT है, ब्लू आसमान के साथ बिल्कुल इसका कलर मैच होता है, और यहाँ पर कुछ फाउंटेन स्टार्टिंग में आपको मिल जाता है, अच्छा खासा एक लुक दे रहा है। और एकेडमी की बात करें तो ऐसे 1963 में स्टार्ट हुआ था, यानी कि थोड़ा सा बाद में स्टार्ट हुआ था। ऊपर बात करती है NIT कैलिकट और NIT राउरकेला के, 2 साल बाद इसको स्टार्ट किया था, ठीक है, 1963 में। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, कि हमारे पास यार लाइब्रेरी, कैफेटेरिया, हॉस्टल कॉम्प्लेक्स, जो भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जिम है, हॉस्पिटल है, मेडिकल फैसिलिटीज़ है जो कि मिल जाती है, वाईफाई कैंपस हमको मिल जाता है, ऑडिटोरियम, द म्यूजिक रूम, डांस रूम, अगर आपको म्यूजिक डांस में इंटरेस्टेड है, जैसे कि मैंने बात की थी, अगर आपने कुछ साइड हसल, मतलब एक साइड में आपको कुछ इंटरेस्ट है अलग एकेडमिक के अलावा, कुछ और करने का एक्स्ट्रा, अपने फ्री टाइम यूटिलाइज करने का, तो आप ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। मतलब अलग अलग तरीके यार टाइम को यूटिलाइज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं कॉलेजेस के अंदर, बस हमको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। यहाँ पर जैसे यार कुछ ये फैसिलिटी कुछ फैसिलिटीज़ के अंदर, मतलब हमारे कुछ हॉस्टल्स के अंदर ये हॉस्टल के आउटर के व्यू है, और ये कुछ लाइब्रेरी के टाइप के व्यू यहाँ पर दे रखे हैं आपको। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास यार जो कि कुछ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के बारे में, जो कि टेबल टेनिस आपको मिल जाता है इंडोर, एक ऑडिटोरियम है इंडोर के लिए, और बास्केटबॉल आपको मिल जाता है, जो कि अच्छी खासी टीम्स यहाँ पर उतरती है, मतलब टीम बनाई जाती है हर साल, और आपको यहाँ पर हैंडबॉल भी दिख जाता है, हैंडबॉल वॉलीबॉल भी आपको इंटरेस्टेड हो तो खेल सकते हो। और ऐसा टाइम एक हेल्थ, मतलब एक मेंटल हेल्थ बनी रहती है, स्पोर्ट्स का एक मेनली ये रहता है क्राइटेरिया कि मेंटल हेल्थ बनी रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी फीस के बारे में, जो कि इसकी फीस ज़्यादा नहीं है, ठीक है, 1 लाख के आसपास है फर्स्ट ईयर की फीस, ठीक है, ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है, थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, 1 लाख के आसपास फर्स्ट ईयर की फीस है। और इसकी हॉस्टल की जो फीस है वो 32 से 47K तक वेराई करती है, 32,000 से 47,000 के बीच में वेराई करती है, ठीक है। और ये कुछ इमेजेस थोड़ी सी ब्लर है यार, पर लेकिन ये कुछ हॉस्टल की इमेजेस यहाँ पर दिख रही है, ये हॉस्टल के अंदर से बाहर के इमेज ली गई है, और ये हॉस्टल की कुछ बाहर की इमेज है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके कुछ प्लेसमेंट्स के बारे में, तो यहाँ पे MNIT जयपुर इज ऑन द टॉप एंड हैज मेड माइलस्टोन इन द टर्म्स ऑफ BR प्लेसमेंट, यहाँ पर इसने माइलस्टोन क्रिएट करते हैं BR प्लेसमेंट के अंदर। माइलस्टोन तो नहीं, देखो सेम चीज़ है जैसे मैंने बात की, एवरेज तो वही रहता है 6 to 8 LPA ही, कुछ अलग यहाँ पर कंपनीज अलग अलग तरीके आ सकती है, अमेजोन, बजाज इंडस्ट्री, फ्यूचर फर्स्ट, डोलाइट, मॉर्गन स्टेनली, वॉलमार्ट एक्सेट्रा, अच्छी खासी एक बड़ी बड़ी कंपनी यार, कैसी नामचीन कंपनी यहाँ पर आ जाती है, और एक CTC एवरेज प्लेसमेंट हमको 6 to 8 lakh पर एनम का मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास है स्कॉलरशिप के बारे में, तो स्कॉलरशिप के अंदर हमारे पास यार सेम अलग अलग तरह की स्कॉलरशिप है, जो कि SC स्टूडेंट्स के लिए, ST के लिए है,
ऑल ओवर के लिए है, सभी के लिए नेशनल स्कॉलरशिप और पर्सनल विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी के लिए भी स्कॉलरशिप है। अच्छा, हर एक एनआईटीज के अंदर, हर एक कॉलेज के अंदर पीडब्ल्यूडी जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं सभी के लिए अलग अलग तरह की स्कॉलरशिप यहाँ पर रहती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरिट का, मीन्स स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू माइनर कम्युनिटी स्कॉलर सेक्टर स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एमएचआरडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडियन ऑयल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग। मतलब कि अलग अलग तरह की प्राइवेट स्कॉलरशिप भी और गवर्नमेंट भी फंडेड भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 5 एनआईटी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है एम एनआईटी, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि भाई एम एनआईटी के बारे में भी बताओ। देखो, एम एनआईटी के सबसे पहले ये आपको एंट्री कुछ दे रही है, आपको जब एंट्री जाते हो तो इतना आपको अंदर जाने के बाद आपको मेन कैंपस मिलता है, यानी कि बहुत अच्छा खासा बड़ा कैंपस है एम एनआईटी भोपाल का, और अच्छे खासी एनआईटी आपको मिल जाती है येलो कलर में, कुछ कुछ आ रहा है, कुछ स्टार्ट हुई थी 1960 के अंदर, यानी कि फर्स्ट सेकंड जो थर्ड एनआईटी स्टार्ट हो रही थी उसी समय 1960 के अंदर अप्रॉक्सीमेटली सभी एनआईटीज के साथ ये स्टार्ट एस्टेब्लिश हुई थी। और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो तो लाइब्रेरी, कैफेटेरिया, हॉस्टल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, सब कुछ आपको मिल जाता है, जो कि ज़्यादा रिक्वायरमेंट हमको है ही, वो सब कुछ हमको मिल जाता है। ठीक है, जिम आप इंटरेस्टेड हो तो करना चाहो तो यार अपना टाइम इवनिंग टाइम जिम को दे सकते हो। ठीक है, इवनिंग नाइट जब भी आपको देना चाहते हो। और क्लासेस के अंदर हमारे पास एग्जाम्स हॉल रूम है और हमारे पास अलग अलग तरह के रूम्स है यार, ये सब चीज़ दे रखी है। और कुछ स्पोर्ट्स की अगर बात करो तो स्पोर्ट्स के अंदर यहाँ पर बस फुटबॉल के अंदर टीम्स बन जाती है एनसीसी के साथ साथ हमारे पास यार, और यहाँ पर बहुत सारे ये बैडमिंटन भी मतलब मिल जाता है, और बैडमिंटन वॉलीबॉल जो भी आप खेलना चाहते हो, मतलब मेनली एक जो है अच्छी खासी टीम्स यहाँ पर बनती है। कोई इंटरेस्टेड है अगर स्पोर्ट्स में तो बिल्कुल अच्छी एक एनआईटी है। और अगर फीस की बात करें जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 60,000 पर मंथ के आसपास की फीस आपको फर्स्ट एक मिल जाती है, और हॉस्टल के अंदर 22.85 से लेकर 47.85 के आसपास वेराई करता है मेल और फीमेल दोनों के लिए। ठीक है, ये आपके हॉस्टल का आउटर व्यू और अंदर मेस का इंटीरियर व्यू जहाँ पर आप बैठ के खाना खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर प्लेसमेंट के बारे में, तो सेम प्लेसमेंट के अंदर वही चीज़ है, सॉरी यहाँ पर एमएनआईटी जयपुर मैंने लिख दिया है, एमएनआईटी जयपुर नहीं है, ये एमएनआईटी भोपाल यहाँ पर आएगा उसके अंदर सेम, क्योंकि यहाँ पर कंपनी भी सेम है, अमेजोन बजाज वही सेम कंपनीज आ रही है। और अप्रॉक्सीमेटली अच्छा यहाँ का ध्यान देना तो यहाँ का एवरेज सीटीसी थोड़ा सा कम हो सकता है 6 to 7, अप्रॉक्सीमेटली तो सेम ही है, और स्टूडेंट्स गो फॉर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट भी जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास यार जो इसके अंदर है एमएनआईटी भोपाल के अंदर यहाँ पर एक ये कुछ नाइट का व्यू दे रखा है, अलग अलग तरीके कुछ कुछ स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज वेरियस गवर्नमेंट स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अलग अलग तरीके गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कॉलरशिप है, जो कि वही सेम चीज़ है, इसलिए मैंने यहाँ पर ज़्यादा लिखा नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 6 एनआईटी जो है वी एनआईटी नागपुर महाराष्ट्र, नागपुर महाराष्ट्र की अगर बात करें तो सेम यार एक अच्छी खासी एनआईटी, बहुत बड़ा कैंपस है आप देख सकते हो यार, मतलब ग्रीनरी देखो आप, मतलब ऊपर से लिया गया ड्रोन से, मतलब पूरे ग्रीनरी आर पार चारों तरफ ग्रीनरी, और बीच के अंदर एक अलग सी एनआईटी, मतलब व्यू अच्छा खासा आ रहा है, और ये हमारा फ्रंट व्यू बिल्कुल दे रहा है इसका। और ये सेम यार 1960 के अंदर इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वी एन आई टी नागपुर के अंदर बात करें तो इसके अंदर टोटल मिलाकर हम यार जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सेम लाइब्रेरी, कैफेटेरिया, हॉस्टल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम वगैरह ये सब हमको मिल जाता है। ये कुछ हमारे पास क्लासरूम के अंदर की फोटोज दे रखे हैं, क्लासरूम से है। ठीक है, ये कुछ अलग अलग तरीके हमारे पास कुछ फंक्शंस यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन होते रहते हैं और वो सब कुछ है। अंदर के स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स की अगर बात करें थोड़ी सी हमारे पास देखो यार कुछ टूर्नामेंट भी यहाँ पर होते रहते हैं। ठीक है, वॉलीबॉल, बैडमिंटन वगैरह सब चीज़ों के टूर्नामेंट होते रहते हैं। इंडोर ऑडिटोरियम भी मिल जाता है। ठीक है, ये इंडोर ऑडिटोरियम है, इंडोर स्टेडियम वगैरह ये सब कुछ यहाँ पर ऐसे प्रैक्टिस के लिए खेलने के लिए मिल जाते हैं, यानी कि बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज आपको यहाँ मिल जाती है वीएनआईटी नागपुर के अंदर। तो अगर आप नागपुर के अंदर हो तो अच्छा खासा आप जरूर इसको ऊपर फील कर सकते हो। इसकी फीस की बात करूँ तो फीस थोड़ी सी हाई यहाँ पर रह सकती है, 1.52 लाख जो कि फर्स्ट ईयर की फीस यहाँ पर है। और कुछ मेल अगर हॉस्टल की बात करें तो 37.90 से लेकर 56.30 के आसपास के, मतलब 37,000 से लेकर 56,000 के आसपास हॉस्टल फॉर मेल एंड फीमेल हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर फीमेल की हॉस्टल की फीस थोड़ी ज़्यादा है, 78,000 से लेकर 95,000 के अप्रॉक्स है। ठीक है, ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। और अगर बात करें बस यार वी एन आई टी नागपुर के अंदर कुछ प्लेसमेंट्स के बारे में तो कंपनीज लाइक अमेजोन, बजाज, ये सब कुछ यहाँ पर होता है, और वही चीज़ आ रही है जो पहले कंपनीज आ रही थी प्लेसमेंट के लिए, और एवरेज जो सीटीसी आपको दे रही है वो 6 to 7 lakh पर है मिल जाता है। स्टूडेंट्स कैन गो फॉर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ऑल्सो। अगर बात करें आप कुछ यार हमारे पास स्कॉलरशिप की जो आप अलग अलग तरह की अदर स्टेट प्राइवेट प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होती है, जो कि मैंने पर बात कर चुका था, और नेशनल लेवल स्कॉलरशिप भी होती है महाराष्ट्र। अच्छा, यहाँ पर जो महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है वो भी अपनी अलग अलग तरह की स्टेट स्कॉलरशिप निकाल सकती है। ठीक है, जिस भी स्टेट के अंदर एनआईटी है, जैसे भोपाल में तो एमएनआईटी भोपाल के अंदर मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो भी निकाल सकती है। मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर बात करें तो इन ऑर्डर टू एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप एटलीस्ट 60% ऑफ मार्क्स आर इक्विवेलेंट ग्रेड इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन वुड बी रिक्वायर्ड। ठीक है, मतलब कुछ इतने परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको रिक्वायरमेंट होंगे एग्जाम के अंदर। इनकम अगर सेलिंग की बात करें तो टोटल फैमिली इनकम फ्रॉम ऑल द सोर्सेज शुड नॉट एक्सीड 8 lakh, मतलब कुल मिलाकर सब 8 lakh से ऊपर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अलग अलग देखो, अलग अलग एनआईटी का क्या स्कॉलरशिप के ऊपर अलग अलग क्राइटेरिया रहता है, क्योंकि
स्कॉलरशिप का मेन जो क्राइटेरिया डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है वहाँ की कौन सी आपकी स्टेट गवर्नमेंट है। जैसे यहाँ की महाराष्ट्र गवर्नमेंट है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है कि कौन से एनआईटीज के अंदर कितनी यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप रहने वाली है, वो सब अलग अलग तरीके, ठीक है, अलग अलग सोर्सेज, अलग अलग एनआईटीज के अंदर अलग अलग स्कॉलरशिप रहती है। नेक्स्ट बात करें नंबर 7 एनआईटी, जो एनआईटी हमीरपुर हिमाचल प्रदेश के अंदर, जो कि एक बहुत ही बढ़िया एकदम वादियों के अंदर एनआईटी बसी हुई, आर पार कुछ ऐसे शांत माहौल एकदम, मतलब कुछ ऐसा शोर शराबा नहीं, बिल्कुल शांत माहौल के अंदर पूरी ग्रीनरी है आर पार, और एक बढ़िया सा कैंपस आपको मिल जाता है यहाँ पर, और एकेडमिक ईयर 1986। और अच्छा सबसे अच्छी बात है कि एनआईटी हमीरपुर की जो कट ऑफ भी है वो सबसे अधिकतर कम जाती है, मतलब जो लास्ट 3 एनआईटी है, एनआईटी हमीरपुर, इसके बारे में इसके बाद में बात करेंगे, एनआईटी पटना, और इसके बाद में एनआईटी रायपुर, तीनों की एनआईटी कट ऑफ भी कम जाती है और प्लेसमेंट भी अच्छा खासा है और एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा खासा मिल जाता है, सबसे बड़ी चीज़। नेक्स्ट बात करते हैं एनआईटी हमीरपुर के अंदर लाइब्रेरी, कैफेटेरिया, हॉस्टल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मेडिकल फैसिलिटीज, वाईफाई कैंपस, ऑडिटोरियम, जो कि सब कुछ हमको मिल जाता है, लैब्स भी हमको मिल जाती है, कंप्यूटर लैब्स, ये लाइब्रेरी है, ये हमारे पास क्लासरूम से, और ये बाहर के उसी देखो कैंपस के अंदर, मतलब एक साफ सड़क रोड के ऊपर, मतलब अच्छी खासी एक क्लीन कैंपस है, मतलब कुछ चलने का ही मज़ा आता है, घूमने का ही मज़ा आता है। इस बात करते हैं इसके अंदर जरा कुछ, हमारे पास बास्केटबॉल से होता ही है, बास्केटबॉल कोर्ट है, और यहाँ पर हमारे पास कुछ स्विमिंग पूल आपको दे रखा है वो आपको मिल जाता है, यहाँ पर कुछ यार एथलेटिक्स भी कॉम्पिटेटिव होते रहते हैं, कॉम्पिटिशन टूर्नामेंट वगैरह होते रहते हैं, या कुछ इंडोर टूर्नामेंट है हमारे पास यार, टेबल टेनिस, बैडमिंटन वगैरह सब कुछ यहाँ पर चलता रहता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया स्पोर्ट्स फैसिलिटीज आपको मिल जाती है। फीस यार अप्रॉक्सीमेटली उसके हिसाब से लगती है, देखो जिस भी कॉलेज की सबसे जितनी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा उतनी ज़्यादा उसकी फीस होगी, क्योंकि वहाँ पर उन चीज़ों को मेंटेन भी करना पड़ता है, और वो मेंटेन तो शायद स्टूडेंट्स के पैसों से, फीस से ही होता है मतलब, ठीक है। तो अगर बात करें यहाँ पर 1.46 लाख फर्स्ट ईयर की फीस यहाँ पर टोटल मिल जाती है, फॉर मेल के लिए 62,000 से अप्रॉक्सीमेटली फीस है, और फॉर फीमेल के लिए 62,000 सेम यहाँ पर है। और ये कुछ हॉस्टल के आपको दे रखे, अच्छे खासे बड़े बड़े हॉस्टल आपको मिल जाते हैं, और अंदर इंटीरियर व्यू दे रखे हॉस्टल का, और ये थोड़ी बाहर से हॉस्टल के अंदर से बाहर की फोटोज ले रखी है, ठीक है, ये कुछ हॉस्टल के व्यू है। जैसे इसकी अगर प्लेसमेंट की बात करूँ तो इसका प्लेसमेंट 5 to 7 LP के आसपास अप्रॉक्सीमेटली होगा, और वही आपकी कंपनी जो है कॉमन जो है, मतलब मेन जो बड़ी बड़ी कंपनीज वो आपकी आ सकती है, और यहाँ पर स्टूडेंट्स कैन गो फॉर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट जो है वो तो जाएंगे, ठीक है, मतलब कि जिसको इंटरेस्टेड नहीं होता प्लेसमेंट के अंदर, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट नहीं हो पाता वो खुद के प्राइवेट या फिर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट की तरफ मूव करते हैं। इसके अंदर स्कॉलरशिप की बात करें तो टॉप क्लास एजुकेशन फॉर SC ST कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए हमको स्कॉलरशिप मिल जाती है, या फिर सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर स्कॉलरशिप, जो कि हमारे अलग अलग तरह की स्कॉलरशिप है, और NHFDC स्कॉलरशिप स्कीम फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी, PWD के लिए, और यहाँ पर अच्छा खासा कॉन्वोकेशन वगैरह के लिए कुछ कुछ प्रोग्राम भी यहाँ पर होते हैं हर NITs के अंदर, ये कुछ टीचर्स फैकल्टीज यहाँ पर टीम है। इस बात करते हैं NIT पटना के बारे में, लास्ट सेकंड लास्ट NIT NIT पटना बिहार के अंदर, जो कि NIT पटना बिहार देखो एक अच्छी खासी NIT जिसके अंदर एक एक बोलते हैं ना कि वो जो पुराने ज़माने में जो मतलब एक डिज़ाइन होते थे घर होते थे उस टाइप की, मतलब डिज़ाइन के अंदर NIT बना रही है, जो कि अच्छा खासा व्यू आपको दे रही है। इस्टेब्लिश के अंदर 1886 के अंदर यहाँ पर देखो, मतलब ये सबसे पुरानी NIT अब ध्यान दो तो 1886 के अंदर ये इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है, 1886 मतलब बहुत ही ज़्यादा पुरानी, बहुत ज़्यादा पुरानी 1886 के अंदर, ठीक है, तो मतलब बहुत ज़्यादा पुरानी NIT है। और NIT पटना के अंदर बात करें तो लाइब्रेरी, कैफेटेरिया, हॉस्टल आपको सब कुछ मिल जाता है जो सेम आपको मिल ही रहा था, ये कुछ आपको जिम दे रखा है, ये कुछ गेम्स आपको दे रखे हैं अलग अलग तरह के, ठीक है, ये कुछ हमारे पास कंप्यूटर लैब्स है, ये हमारे पास कुछ गैलरीज है, उसके अलावा क्लासरूम्स है, ये सब कुछ है। और अब बात करें स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स के अंदर आपको अलग अलग तरह के सेम स्पोर्ट्स जो वही है हमारे पास, फुटबॉल ग्राउंड आपको मिल जाता है, बैडमिंटन हो, चाहे वॉलीबॉल हो, बास्केटबॉल हो, ये सब अलग अलग तरह के गेम्स आपको मिल जाते हैं, टूर्नामेंट और अलग अलग तरह के आपको यहाँ पर कुछ कुछ फंक्शंस भी जो भी ऑर्गेनाइज कराए रहते हैं, जो कि कॉम्पिटिशन भी ऑर्गेनाइज होते रहते हैं, ये हर एक NITs के अंदर होते हैं, अलग अलग तरह के कॉम्पिटिशन होते हैं, जो कि यार मज़ा आता है चीज़ों के अंदर, क्योंकि एकेडमिक के साथ साथ यार नॉन एकेडमिक के अंदर एक ओवरऑल आपको ग्रोथ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसकी अगर फीस की बात करते हो तो 1.66 लाख अप्रॉक्सीमेटली इसकी फीस है, मेल के लिए 29,000 के अप्रॉक्स और 29,000 के अप्रॉक्स मेल और फीमेल दोनों के लिए। और इसकी हॉस्टल्स की अगर बात करें तो ये हमारे पास इसकी हॉस्टल्स दे रखे हैं, ये इसके हॉस्टल्स के आउटर व्यू कुछ हैं, और इसके अंदर प्लेसमेंट की अगर बात करें तो सेम वैसे वो एक कंपनी यहाँ पर प्लेसमेंट के लिए आती है, और 5 to 7 LP एवरेज प्लेसमेंट यहाँ पर रहता है, ऑफ कैंपस या मूव कर सकते हो NITs के लिए। और इसके अंदर कुछ स्कॉलरशिप की अगर बात करें तो सेम SC ST के लिए स्कॉलरशिप आपको अलग से दी गई है, और फॉर जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स के लिए अलग से स्कॉलरशिप दी गई है, प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप, और सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, और हमारे पास यार PWD स्टूडेंट्स के अलग से स्कॉलरशिप दी गई है। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 9 जो है NIT रायपुर छत्तीसगढ़, जो कि हमारे पास लास्ट NIT है। देखो NIT रायपुर छत्तीसगढ़ भी एक अच्छी खासी NIT, मतलब इसके अंदर भी एक अच्छा खासा आपको भी मिल जाता देगा, मतलब शानदार NIT देख सकते हो आप, मतलब एक बहुत अच्छा खासा इसका एंट्रेंस दे रखा और शानदार NIT, एक अलग मतलब व्यू उसका मिलता है 1956, ये भी बहुत पुरानी NIT है, अच्छा खासा व्यू आपको मिल जाता है NIT रायपुर के अंदर। बात करो तो हमारे पास यार लाइब्रेरिया, कैफेटेरिया, हॉस्टल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, हॉस्पिटल, मेडिकल फैसिलिटीज, ऑडिटोरियम, लैब्स, ये सब कुछ हमको मिल जाता है जो जनरली स्टूडेंट्स को मिलता ही है। ये लाइब्रेरी हमारे पास है, ये हमारे पास कंप्यूटर रूम, देखो बड़े बड़े रूम से बड़े बड़े हॉल है, और अच्छा खासा मतलब शानदार इंटीरियर के साथ दे रखा है आपको,
और ये सब कुछ हमको मिल जाता है यार। और उसके अलावा स्पोर्ट्स फैसिलिटी जो कि होनी चाहिए, बड़े बड़े ओपन ग्राउंड है देखो, और ये फुटबॉल है, हैंडबॉल है हमारे पास है, और बैडमिंटन है हमारे पास, सब कुछ अलग तरीके स्पोर्ट्स है जो कि होने चाहिए यार। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, मतलब स्पोर्ट्स जहाँ पर बड़े बड़े ग्राउंड होते हैं जिस भी कॉलेज में, उनके अंदर घूमने का खेलने का मज़ा ही कुछ और होता है। और अगर फीस की बात करते हैं, उसकी कुछ 1.38 लाख कुछ फीस है जो कि फर्स्ट ईयर की है, और मेल के लिए फीमेल के लिए दोनों सेम हॉस्टल फीस है, 34,000, 34,000 के अप्रॉक्स। और यहाँ पर कुछ ये हॉस्टल की आउटर व्यू है, और ये कुछ हॉस्टल आपकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई जा रही है। कुछ प्लेसमेंट की अगर बात करें तो कंपनी सेम वही कंपनी अमेजोन वगैरह कंपनी, यहाँ पर वॉलमार्ट स्टील कंपनी आ रही है। एवरेज जो सिटी सी दे रही है वो 7 to 8 लाख पर एनम, यहाँ पर एवरेज यहाँ पर इसका प्लेसमेंट निकल कर आ रहा है, पैकेज है। और स्टूडेंट्स कैन गो फॉर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट भी, स्टूडेंट जाते हैं। और इसके अंदर सेम यहाँ कुछ कॉन्वोकेशन यहाँ पर फोटो लगा रही है, जो कि कॉन्वोकेशन तो होता ही है हर में, ठीक है। जब आप भी 5 साल की जब पूरी डिग्री लेकर निकल जाओगे तो आपको भी ऐसे कॉन्वोकेशन में बुलाया जाएगा, अलग अलग प्रोग्राम में बुलाया जाएगा, और तब मज़ा आएगा, तब एक मेमोरीज आपके पास रहेगी। तो इसके अंदर सेम स्कॉलरशिप की बात करो तो एनुअल पेरेंटल इनकम फॉर कैंडिडेट फ्रॉम ऑल द सोर्सेज शुड नॉट एक्सीड विद 2.5 लैक्स। अगर आपकी पूरी टोटल इनकम फैमिली की कम है तो आपका यहाँ पर स्कॉलरशिप की एक क्राइटेरिया रखा गया स्कॉलरशिप में, भले आप कोई से भी कैटेगरी की हो। हाउ द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन इज फर्स्ट ईयर, अच्छा फर्स्ट ईयर के अंदर आप कितना परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से आपको नेक्स्ट सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के अंदर भी स्कॉलरशिप मिल सकती है, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है। तो ट्राई करेंगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से हम अपनी एक CGPA परसेंटेज को मेंटेन करके रखें, ठीक है। तो इसी के साथ यहाँ पर खत्म होता है सभी तरह की हमारे पास पूरी एक PPT और स्लाइड के साथ। इसी के साथ हमने बात किया सारे सारे एनआईटीज के बारे में, और हमारे पास हमने लास्ट वीडियो के अंदर SP के बारे में बात कर चुकी थी। इसी के साथ थैंक यू बहुत बहुत, आप कर अपने पेशेंस यहाँ तक बनाए रखा, अगर जो यहाँ तक इस वीडियो में पहुंचा है मतलब आपके अंदर कुछ एक एनआईटीज के अंदर एक अच्छा खासा मोटिवेशन आपको मिल गया होगा इस वीडियो के बाद। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना कि आपको कौन सी वाली वीडियो के अंदर ज़्यादा पसंद आई, और किस वाले वीडियो का आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, और कौन सा स्पोर्ट्स आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, सब कुछ कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना। और कुछ भी डाउट हो तो जरूर पूछो यार, कमेंट करने का रिप्लाई आपको हमेशा करता हूँ। और भी जो भी यार अलग अलग तरीके आपको वीडियो सबको चाहिए, जो कि सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, बस चैनल को नए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही साथ के अंदर मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो, जय हिंद, वंदे मातरम।